हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपको मेरा प्यार भरा नमस्ते। उम्मीद करती हूँ आप सब भी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, बहुत दिन से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी क्योंकि हमारे घर में मेरी सास की बरसी है। मेरी सास को गुजरे हुए पूरा एक साल हो चुका है और हमारे घर में सारे मेहमान, हमारे ख्वाल के ख्वालदार और हमारे जो सवारे बोलते हैं वो सब आ चुके हैं खाना बनाने के लिए। तो आजकल मैं बहुत बिजी हूँ इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। तो आज की ये बरसी की वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो शाम के लगभग 5:30 बज चुके हैं, खाना बनाने की, रात की भोज की जो तैयारी है वो हो चुकी है। लेडीज़ लोग यहाँ पे तवा रख रहे हैं और खाना रोटी बनाएंगे तवे में, और जेंट्स लोग हैं जो सब्जी उब्जी काट रहे हैं, सब्जी हलवा जो रात को बनता है उसकी तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर पानी का ड्रम, पानी के बर्तन भरे हुए हैं और यहाँ पे पंडित जी, मेरे पापा और मामा जी, चाचा जी सब खाने की तैयारी कर रहे हैं। नीचे से कुसुम दीदी भी आ चुकी है। बहुत अच्छा मौसम हो रखा आज का। और ये हमने पानी गर्म करने के लिए रखा है यहाँ पे। ये पंडित जी खाना बनाना शुरू कर दिया है। पंडित जी ने दाल बनाने की तैयारी कर रहे हैं। बहुत अच्छा खाना बनाते हैं पंडित जी। वैसे हमारे ये चाचा जी हैं पर इनको हम पंडित जी हैं। ये जो भी गांव में शादी बरसी सब खाना ये बना लेते हैं। बहुत अच्छा खाना बनाते हैं चाचा जी। सब जेंट्स लोग एक तरफ हैं, सब्जी उब्जी कट रही है, दाल उबल चुकी है। लेडीज़ लोग यहाँ पे रोटी बनाना स्टार्ट कर दिया लेडीज़ लोगों ने। ये हमारी गाय बछिया बाहर निकाल रखी हमने। आरुष भी आ गया ताऊ जी के साथ अपने। यहाँ पे हम चाय पानी का इंतज़ाम कर रहे हैं, अंदर आटा गूंद रहे हैं, चाय बना रहा है कोई। यहाँ पे सब्जी बनानी भी स्टार्ट हो चुकी है। मामा जी यहाँ पे बैठ रखे हैं और दादाजी लोग सब काम कर रहे हैं। गांव में बुजुर्ग लोग भी, इनको नॉलेज होती है ना कितना खाना बनना है, कैसा बनना है, इसीलिए गांव में जो बुजुर्ग लोग होते हैं, हमारे दादाजी लोग, तो वही खाना बनाते हैं, वही बताते हैं कितना बनाना है, कैसे बनाना है हिसाब से। और आरुष तो आज बांसुरी बजा रहे और भैया भी बांसुरी बजा रहे हैं। यहाँ पे दिल्ली से आए हैं भैया। यहाँ पे मेरे देवर ने ट्राईपोड लगा रखा है और भैया बम्बई से आ रखे हैं, बम्बई में रहते हैं भैया, वहीं उनका घर है, वहीं जॉब करते हैं और बहुत अच्छी बांसुरी बजा रहे हैं भैया। आज बहुत नॉलेज है इन्हें बांसुरी बजाने की, बहुत अच्छी बांसुरी बजाते हैं। और आरुष नाच रहा है, भैया बांसुरी बजा रहे हैं, आरुष डांस कर रहे हैं, बहुत खुश है आरुष आज। और रात हो चुकी है, खाना अभी बन ही रहा है, लेडीज़ लोग रोटी बना रहे हैं और कुछ लोगों को हमने दे दिया है खाना। घर के जो हमारे चाचा जी हैं, आरुष है, उसके पापा और मेरा देवर सब खाना खा रहे हैं। सबने खाना खाना शुरू कर दिया है। लगभग रात के 7:30 बज चुके हैं। मेरे पापा भी खाना खा रहे हैं, बुआ जी और सब खाना खाने लगे हैं। ये हमारी बुआ जी हैं जो खाना दे रही हैं। बुआ जी भी जब से आई हैं अपने ससुराल से लगी पड़ी हैं काम पे, बहुत काम कर रही हैं बुआ जी घर का। तो देखिए बाहर का नज़ारा कितना अच्छा नज़ारा हो रखा है। सबने अपने घरों की लाइट जला चुकी है। रात के लगभग 10 बज चुके हैं खाना खाते खाते और बहुत अच्छा मौसम हो रखा है। रात का हल्की हल्की हवा चल रही है। दोस्तों बाहर बहुत अंधेरा हो चुका है, रात का टाइम है, सब खाना खा के अपने घर को निकल चुके हैं और बर्तनों का ढेर लगा हुआ है बाहर। बर्तन हमें धोने हैं, बहुत काम करने हैं घर के। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलते हैं कल वाले वीडियो में। कल हमारे घर में भोज है, पंडित लोग आएंगे खाना खाने के लिए और कल मैं दूसरा वीडियो अपना स्टार्ट करूंगी। तो मैं ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब
तब तक के लिए बाय दोस्तों।